कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शनिवार को दावा किया कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ट्विटर बायो से बीजेपी हटा दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने तंज कसने शुरू कर दिए। इसके जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद मोर्चा संभाला और ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरी ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता के मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार न जाती। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। उधर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई विधायक लक्ष्मण सिंह ने ये कहकर गहमा गहमी तेज कर दी कि उन्हें पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी खलती है। 2020 में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी और बाद में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी थी। राजगढ़ जिले के चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, मुझे सिंधिया की याद आती है क्योंकि उनकी उपस्थिति कांग्रेस के लिए फायदेमंद थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंधिया में क्षमता है और वो अच्छे वक्ता है। गौर करने वाली बात यह है कि लक्ष्मण सिंह का ये बयान ऐसे समय सामने आया जब दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था, अगर पार्टी ने आदेश दिया तो वह गुना लोकसभा सीट से सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। सिंधिया 2019 में अपने परिवार के पारंपरिक गढ़ गुना से चुनाव हार गए थे। पत्रकारों से बात करते हुए लक्ष्मण सिंह ने यह दावा भी किया कि भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि वो भगवा पार्टी से नाखुश है और जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों का परिणाम क्या होगा।